हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के वन ऑफ द फ्रीडम फाइटर लोकमान्य तिलक या बाल गंगाधर तिलक जी के आर्यन माइग्रेशन यानी आर्य आगमन से जुड़े हुए विचार। ये वीडियो बाल गंगाधर तिलक की किताब आर्कटिक होम इन वेदास में लिखी गई बातों के आधार पर बनाया गया है। बाल गंगाधर तिलक अपनी बुक के फर्स्ट चैप्टर में लिखते हैं कि यूरोपीय भाषाएं, चाहे वे प्राचीन भाषा हो या आधुनिक भाषा, उनमें और भारत के ब्राह्मणों के द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं में काफ़ी ज़्यादा हद तक समानताएं हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि लोकमान्य तिलक ने ज़ोरोस्तर धर्म की जैन भाषा और ब्राह्मणों की संस्कृत भाषा के बीच में रिलेशनशिप यानी जैन व संस्कृत के बीच में एक गहरा संबंध बताया है, जिससे लोकमान्य तिलक ये कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं कि जरूर ये सारी भाषाएं किसी एक प्राचीन भाषा की जुबान रही होगी और प्राचीन आर्यन समूह का डाउट भी जताया है। शुरुआती दिनों में ऐसा माना जाता था कि आर्यन रेस या आर्यन समूह का ओरिजिनल होम सेंट्रल एशिया में कहीं रहा होगा। यहाँ तक कि इंडियन आर्यंस का उस आर्यन समूह जिससे वे अलग हुए वे टेम्परेट जोन में रहा करते थे, लेकिन 19वीं सदी के मध्य में इस विचार को भी एक सदमा लग गया जब सैकड़ों हजारों स्टोन, ब्रोंज और आयरन इम्प्लीमेंट्स यूरोप के अलग अलग जगहों से खोद के निकाले गए। बता दें कि इन स्टोन, ब्रोंज व आयरन को प्राचीन समय में अलग अलग समय पर इस्तेमाल किया गया होगा, जिसके आधार पर वर्तमान आर्कियोलॉजिस्ट स्टोन एज, ब्रोंज एज व आयरन एज को क्लासिफाई कर पाते हैं। सबसे प्राचीन या ओल्डेस्ट एज, जिसे स्टोन एज कहा जाता है, इस दौर में प्राचीन मनुष्य पत्थरों से बने हुए औजारों का इस्तेमाल किया करते थे। स्टोन एज को फर्दर पेलियोलिथिक व नियोलिथिक पीरियड, जिसे पेलियोलिथिक यानी ओल्ड स्टोन एज व नियोलिथिक यानी न्यू स्टोन एज भी कहा जाता है, क्लासिफाई किया गया। पेलियोलिथिक पीरियड में स्टोन इम्प्लीमेंट्स काफ़ी ज़्यादा रूडली फैशन्ड व उन्हें बस एक शेप में काट छाट कर यूज किया जाता था। वहीं नियोलिथिक एज में इन स्टोन टूल्स को न सिर्फ वेल चिप्ड एंड वेल पॉलिश किया जाता था, बल्कि ऐसे फॉसिल्स भी प्राप्त हुए हैं जिनसे ये पता चलता है कि उस दौर के मनुष्य जायंट मैमल्स लाइक मैमथ एंड हूली हेयर्ड राइनोसोर से एसोसिएटेड भी थे। बाल गंगाधर तिलक आगे लिखते हैं कि नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव ही वो जगह है जहां सबसे पहले प्लांट लाइफ व एनिमल लाइफ पनपी थी, और मेरे ख्याल से उत्तरी ध्रुव ही वो जगह रही होगी जो वेदों व अवेस्ता के अनुसार आर्यंस का ओरिजिनल होमलैंड रहा होगा। लोकमान वेदों की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि वैदिक स्रोतों के अनुसार वैदिक ऋषि एंशियंट टाइम में आर्कटिक एरिया में रहते थे। यहाँ तक कि कई सारे वैज्ञानिकों के द्वारा ये पुष्टि की गई है कि आर्कटिक रीजन ही ह्यूमन रेस का ओरिजिनल बर्थ प्लेस रहा है।